हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की रसोई में। आज हम बनाएंगे सेवई से नाश्ता। इसके लिए हमने लिया है एक प्याज, इसको बारीक कट कर लिया है। एक गाजर, इसे भी कट कर लिया है। 4 से 5 बीन्स, इसको भी हमने इस तरह से कट कर लिया है। एक छोटा शिमला मिर्च, इसे भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। एक छोटा टमाटर, इसको भी बारीक कट कर लिया है। हमने इसी कटोरी से 2 कटोरी सेवई ले लिया है। इस तरह वाली सेवई है। तड़के के लिए हमने लिया है थोड़े से करी पत्ते, 1 छोटा चम्मच चना दाल, 1/2 टीस्पून राई दाना, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, इसको हमने बीच से कट कर लिया है। 5 से 6 काजू, इसको हमने टुकड़े कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, या अपने पसंद के अनुसार जो आपको तेल पसंद है उसमें बना सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे राई दाना, सरसों, लाल मिर्च और चना दाल, करी पत्ता, जीरा और सभी मसालों को थोड़ा चटकना देंगे। जीरा चटक चुका है। अब इसमें डाल देंगे काजू, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा चलाकर भून लेंगे। बस इतना ही भुनेंगे। अब इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज, 2 मिनट प्याज का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे कटी हुई सब्जियां, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई गाजर, कटी हुई बीन्स, कटा हुआ शिमला मिर्च। सभी सब्जियों को डालकर इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। सभी सब्जियों को हमने चलाते हुए थोड़ा भून लिया है। अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो चुका है। अब हम चेक कर लेंगे। सब्जी हमारी गल चुकी है लगभग। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर थोड़ा सा मिलाएंगे। हमने मिला लिया है। अब इसमें डाल देंगे सेवई। सेवई डालकर थोड़ा सा भुनेंगे। ज़्यादा नहीं भुनना है दोस्तों, बस 1 मिनट हम चलाते हुए भून लेंगे। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा दिख रहा है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, और झटपट बन के तैयार हो जाता है। हमें अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे हम बनाकर खा सकते हैं। बस 1 मिनट हो चुका है दोस्तों। जिस कप से हमने सेवई लिया था, अब हम उसी कप से डाल देंगे 1.5 कप गर्म पानी। अब इसे हम पानी के साथ मिला लेंगे। अब इसे ढककर 2 मिनट, 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो चुका है दोस्तों। सेवई को चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी सेवई बनके तैयार है। बस हल्का सा पानी है, यह भी थोड़ी देर में सूख जाएगा। अब हम इसको ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी सेवई बनकर तैयार है। ये बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।